वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सब पार्ट 22 में हैं, मतलब पार्ट 22 से पहले हम लोगों ने 21st पार्ट तक देख लिया है और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन। और ये बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी पीओ या आप आरआरबी क्लर्क या आने वाले आईबीपीएस की बात कर ले, आपको बहुत ज्यादा वहां पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, राइट। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी आपका क्वेश्चंस होगा अच्छा बैंकिंग का, राइट। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन सभी का पीडीएफ या तो फेसबुक और टेलीग्राम, इवन दोनों पे मैं प्रोवाइड कर देता हूं। आप लेक्चर को देखने के बाद पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और पीडीएफ से बिल्कुल इसका पढ़ाई करें, राइट। इससे पहले जो 21st पार्ट तक का पीडीएफ है मैं सभी को प्रोवाइड कर चुका हूं, बिल्कुल आप देख सकते हैं और बिल्कुल रिवाइज करते रहिएगा, राइट। तो चलिए मूव करते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। व्हाट डज द लिक्विडिटी मीन? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो लिक्विडिटी का मतलब समझ लीजिए हिंदी में, वह तरलता, ठीक है, जिसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो एक चीज से दूसरे चीज में, राइट। मतलब क्या हो गया कहने का कि आप इजीली मान लो कि कैश को कन्वर्ट करते हो किसमें, किसी भी एसेट या सिक्योरिटी में, दैट मीन्स लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वह डिजायरेबल डिग्री, ठीक है, जिससे आप किसी भी असेट या सिक्योरिटी को क्या इजीली खरीद सकते हो, दैट्स मीन लिक्विडिटी। तो आपके क्या ऑप्शन यहां पर दिया हुआ, इट मीन्स हाउ कैश इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। बस गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं ये हो सकता, ठीक है। इट मीन्स हाउ चीफली एंड क्विकली एन असेट इज कन्वर्टेड इनटू द कैश, ठीक है, आप ये एक समझ सकते हो। इट मीन्स हाउ कैश इज कन्वर्टेड इनटू द एसडीआर, बस स्पेशल ड्राइंग राइट हो सकता है, नहीं। इट मीन्स हाउ अनसर्टेन द मनी मार्केट कंडीशंस आर, ये भी नहीं। मतलब क्या कि कितना चीपली और क्विकली आप किसी भी असेट को कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, ठीक है, दैट मीन्स लिक्विडिटी। मतलब देखा जाए तो कैश वह स्टैंडर्ड पार्ट होता है लिक्विडिटी का, जिसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक असेट से दूसरे असेट्स में, राइट। तो कैश क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है लिक्विडिटी का, राइट। चलिए मूव करते हैं, देखिए दूसरा, और इससे देखिए रिलेटेड मैंने सारा इंफॉर्मेशन यहां दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा है, बैंक हैव लॉन्च द सर्विस थ्रू विच द मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग द मोबाइल फोन्स एंड दिस सर्विस इज नोन एज द, क्या है इस सर्विस का नाम, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हमारे इंडिया में जो आया था वो 22 नवंबर 2010 में आया था, ठीक है, और इसके ऑनर या फिर लाने वाला जो है वो NPCI है, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, राइट। मतलब आप 24/7 इंस्टेंट अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, राइट। और यह इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, सर्विसेज थ्रू द मोबाइल फोन। तो IMPS से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऑनर क्या है, IMPS का फुल फॉर्म क्या है, और एक क्वेश्चन जो यहां मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं, RBI हैज डायरेक्टेड द कमर्शियल बैंक टू रिजॉल्व द ATM ट्रांजेक्शंस रिलेटेड कंप्लेंट्स विद इन दिस 7 working days। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, विद इन दिस 7 working days, एक क्वेश्चन यहां से अराइज हो जा रहा है। इफ अ कमर्शियल बैंक इज अनेबल टू डू सो देन इट हैज टू पे ₹ per day एज कॉम्पेंसेशन। कितना रुपीज का कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ता है, अगर 7 दिन या आप देख रहे हैं विद इन 7 days, ये आपका क्वेश्चन एक बनता है कि जो आपका बैंक का ATM का रिजोल्यूशन डे होता है, मतलब किसी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, वह कितना होता है, तो 7 days का होता है। अगर इस 7 days में भी बैंक आपका रिजोल्व नहीं कर पा रही है तो आपको कॉम्पेंसेशन के तौर पे ₹100 प्रतिदिन बैंक देती है। मतलब आपका कॉम्पेंसेशन चार्ज कितना है, ₹100 per day एज ए कॉम्पेंसेशन चार्ज, राइट। तो ये आपका था 2 question, यहां से आपका बनता है, एक आपका डे से रिलेटेड, एक आपका रुपीज से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डज द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर आता है, और क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या क्या आता है, तो जितने भी बैंक रेट पॉलिसी होते हैं, ठीक है, आपका OMO आ गया,
ठीक है, दूसरा आपका सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, तो ये सभी आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, इन द ओपन मार्केट, ठीक है। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। सबसे बड़ा बात कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्वांटिटेटिव मेजर है या क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। रेस्ट आपको मैंने सब चीज यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल आप जा सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर द एजुकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आपका जो एजुकेशन लोन का लिमिट है वह कितना है, ठीक है, तो 1 मिलियन रखा गया है, मतलब 10 लाख रुपीज। और देखिए, लोन टू द इंडिविजुअल फॉर द एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग द वोकेशनल कोर्स अप टू 1 मिलियन इरिस्पेक्टिव ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट आर एलिजिबल फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब जो आपका लोन का अमाउंट रखा गया वो कितना है, 1 मिलियन का है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन अराइज होता है, और अभी एनपीए सबसे ज्यादा अगर बन रहा है तो वह किसके कारण बन रहा है, एजुकेशन लोन के कारण भी बन रहा है। एजुकेशन लोन भी एक आपका फैक्टर है, इसीलिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, व्हाट विल बी द प्रेजेंट ऑप्टिमाइजेशन डेट ऑफ द बेसिल अकॉर्ड 3 इन इंडिया। देखिए, लिटरली अगर देखा जाए तो बेसिल 3 इंडिया में 2003 में ही आ गया था, लेकिन अभी तक यह कमर्शियल बैंक्स में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और इसका जो डेट रखा गया वो क्या रखा गया, 31 मार्च 2019 आपको है, लेकिन एक्चुअल में आपको याद रखना है क्या, 31 मार्च 2019। और क्यों अभी तक नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि देखिए इंडिया के बैंक्स के पास सबसे पहले कैपिटल नहीं है, और भी बहुत सारे टर्म हैं आपके। जब तक आप बैंक को अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, बेसिल थ्री नॉर्म, मतलब बेसिल थ्री हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और बेसिल थ्री क्या है, रिस्क से उभरने के लिए, ठीक है। और रिस्क से तब कब उभरेगी, जब आप एसएलआर अच्छा खासा रख रहे होंगे, सीआरआर अच्छा खासा रख रहे होंगे। और ये रखने के लिए क्या, बैंक अगर ज्यादा एसएलआर सीआरआर रखेगी तो बैंक लेंड नहीं कर पाएगी, मतलब लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। और बैंक के पास जब पैसा आएगा तभी ये सब, मतलब ये सभी चीज हो सकता है। और पैसा बैंक के पास कब आएगा, जब बैंक एक अच्छे स्थिति में हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिल थ्री नॉर्म मेनली क्या है, आपको रिस्क से निकालने के लिए। और ये इंडिया में 2019 में 31 मार्च पे इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो ये टारगेट रखा गया है, रेस्ट मैंने सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखा है, बिल्कुल आप इसके थ्रू एक बार जाइएगा। देखिए, सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दू, देखिए टू अगर आप देखें कि कैपिटल को इंक्रीज किया जाए बैंक में, ठीक है, अगर रिड्यूस किया जाए क्या, लीवरेज को, ठीक है, लीवरेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो हमारे बैंक्स में एक अच्छा ग्रोथ होगा, बैंक एक अच्छे स्थिति में आ जाएगी। और मेन जो फैक्टर है, तभी बेसिल नॉर्म का मेन इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। मतलब कब इंप्लीमेंट होगा, समझ रहे हैं, और क्यों नहीं अभी तक हो पाया ये भी आप समझ रहे होंगे। बहुत ऐसा कंट्री है जो कि बेसिल थ्री नॉर्म्स को अभी इंप्लीमेंट किया, बहुत पहले ही इंप्लीमेंट कर चुका है और उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन इंडिया अभी तक नहीं कर पाया है। तो टारगेट क्या है, 2019 31 मार्च, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमिटी वॉज एसबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एसबीआई किसके रिकमेंडेशन से एस्टेब्लिश हुआ था, तो गोरेवाला कमेटी, मतलब आपका एडी गोरेवाला का रिकमेंडेशन से ही एसबीआई का इंप्लीमेंटेशन, मतलब एसबीआई बना था। तो एसबीआई बनने से पहले एसबीआई बैंक का नाम क्या था, ये आप सबको पता होगा, इंपीरियल बैंक था। 1 जुलाई 1955 में आपका इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, ठीक है ना, बाय द आरबीआई। और सबसे बड़ा बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कि एसबीआई का रिकमेंडेशन या एसबीआई विच कमेटी के द्वारा, कौन से कमेटी के द्वारा बनाया गया था, तो एडी गोरेवाला कमेटी है, ठीक है। पीएसएल स्टैंड फॉर, अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आखिर होता क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक ओवरऑल या बोल सकते हो कि सभी इकोनॉमी को एक पैरेलल वे में ग्रोथ कराना ही आपके या किसी भी कंट्री का मेन फोकस होता है। तो पीएसएल के अंदर क्या है कि आरबीआई एक रोल दे दी है सभी बैंक्स को, कि आपको कुछ ऐसा सेक्टर है जिसको पर्टिकुलरली, कुछ ऐसा सेक्टर है जिसको आपको लोन प्रोवाइड करना और उसका ग्रोथ करना है। जैसे आप एग्रीकल्चर ले लें, कुछ वीकर सेक्शन ले लें, ठीक है, और वैसा सेक्शन जिसको आपका अपलिफ्टमेंट, जिसको अपलिफ्टमेंट चाहिए, तो उन सेक्टर को जब आप प्रोवाइड करते हैं लोन, दैट इज नॉन एज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बहुत सारा चीज आता है,
जैसे एग्रीकल्चर आपका आ गया, ठीक है, टोटल ऐसे देखा जाए तो 8 होता है, एग्रीकल्चर आ गया, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस आ जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, तो ये सभी सेक्टर आपके आ जाते हैं पीएसएल के अंदर। तो समझ रहे हैं पीएसएल क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब देखिए सब चीज मैंने यहाँ पर दे रखा है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल एक बार जाइएगा डेफिनेशन के थ्रू। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, दिस इज इसेंशियली मीन फॉर एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड अपोज टू फोकसिंग ओनली ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, एज अपोज टू फोकसिंग ओनली ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। आगे देखिए, वॉट इज द पीएसएल टारगेट फॉर द फॉरेन बैंक मोर देन द 20 ब्रांचेस इन इंडिया, वैसा फॉरेन बैंक जिसका 20 से ज्यादा ब्रांच है इंडिया में, तो उसके लिए पीएसएल का टारगेट कितना रखा गया है। लिटरली देखा जाए तो आपका 40% है इसमें, लेकिन एक और बात है कि 20 अप्रैल 2020 से यह टारगेट रखा गया है कि जो भी फॉरेन बैंक्स का ब्रांच 20 से ज्यादा हो जाएगा इंडिया में, उसको पीएसएल के अंदर 40% कम, मतलब ये कंपलसरी कर दिया जाएगा 40% आपका, राइट। तो पीएसएल के टारगेट के अंदर कितना रखा गया ये आपको याद रखना है, फॉरेन बैंक्स जिसका 20 ब्रांच से ज्यादा हो जाएगा इंडिया में, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज टोटल डैश सेक्टर इन द प्रायोरिटी सेक्टर। अभी मैंने इससे पहले बताया कि टोटल 8 सेक्टर है, और वह 8 सेक्टर क्या क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा है कि पीएसएल आखिर है क्या, इसका रोल क्या है, इसके थ्रू आप देख रहे हैं कि उसका मेन इंप्लीमेंटेशन या फिर उससे मेन बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। और ये जो 8 वाला क्वेश्चन है कि टोटल कितना सेक्टर है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो कौन कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपके पास ऐसा टोटल 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये ऑप्शन में से 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा, तो आपको बताना है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ही अराइज होता है एग्जाम में, और ऐसा ही आता है पीओ लेवल के एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर, राइट, और बिल्कुल हम सब अब रेगुलर रहेंगे, और इससे पहले का जो भी पार्ट्स है बिल्कुल आप देखिएगा। अगर आप लोगों को यहां से बेनिफिट हो रहा है प्लेटफॉर्म से, तो लाइक जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट आप शेयर कीजिए, आप अपने किसी एक दोस्त के पास इसे शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जिसको यह नहीं मिल पा रहा है या फिर जिसको इसकी जरूरत है, इवन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप होप सो कि आप शेयर करेंगे, और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम सब फिर मिलते हैं 23rd पार्ट के साथ, राइट।